नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं बड़कल झील पर और यहाँ ये आप देख सकते हैं जितने बच्चे हैं ये सब फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं और खूब मन लगाकर खेलते हैं। किसका हुआ है सिलेक्शन भैया? थोड़ा आगे आ जाओ। अमन का हुआ जी। आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा जी। आपका हुआ है? कहाँ खेलेंगे अब मैच? जी दिल्ली में मैच खेलने जा रहे हैं हम अभी आई लीग के लिए। तो अच्छा ठीक है। अंडर 17? ये सर अंडर 11 में सर आई लीग के लिए चार प्लेयर तैयार, मतलब जो यहाँ से सिलेक्शन हुए आई लीग के लिए चार प्लेयर हुए हैं सर। चार हाँ, हाँ सर। अच्छा। पांच हैं, चार हैं? पांच सर। चार है और एक अंडर समीर सर, एक नोनी है, एक इसका अरमान है, इसका नाम फैज है, मन्नी है। ये सर यहीं से क्लब से इसी झील से खेल कूद के गए हैं आगे आई लीग के लिए। इनका सिलेक्शन हुआ है, इंडिया खेलने का इनकी तमन्ना है बच्चों की, यार खेलने चाहिए, प्लेयर है, इनमें टैलेंट है काफी। मैं तो कहता हूँ रिलायंस या कोई भी क्लब इन पे नजर मार दे तो अच्छा है कि बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर एक कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए तो। और वो अंडर 17 वाला कहाँ है? अंडर 17 वाला वो तो श्रीलंका में है। श्रीलंका चल रहा है? हाँ सर उसका चल रहा है, अभी उसका नेपाल से मैच। आ जाए आप, आगे आ जाए जी। अभी नेपाल से मैच है अमन का, देश की टीम में खेल रहे हैं, इंडिया टीम में अंडर 17 टीम में। कब तक वापसी होगी उसके? सर अभी 15 को तो टूर्नामेंट खत्म होगा सैफ कप, और उसके बाद फिर वो सऊदी अरब जाएंगे AFC क्वालिफायर्स के लिए अंडर 17। तो यहाँ ये जो क्लब चलता है किस नाम से चलता है? ये बड़कल FC वर्द के नाम से। अच्छा हाँ जी, बड़कल FC वर्द। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, ये बड़कल में जो ये क्लब चलता है, फुटबॉल क्लब चलता है, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के साथ, और एक बार जोर से ताली बजा दें जी। आपके साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो आप भी उन्हीं की तरह अच्छा खेलें ताकि आपको भी देश के लिए खेलने का मौका मिले, ठीक है? यस सर। यस सर जी, थोड़ा सा आप भी बता दें। इंटरव्यू तो देंगे जी, एक मिनट सर। हाँ छोटे बच्चे ने दिल्ली से मेडल लाए हुए सर। हाँ वो देखिए कहाँ है मेडल, दिखाओ ना। अरे भैया मेडल, मेडल ये एक सर जितिन फैजी दराव, ये हमारी सीनियर टीम अभी तैयार हो रही है। फैजी दराव, जितिन, जितिन कहाँ गया? जितिन फैज और कहाँ गए? सीनियर टीम इधर आओ, जुनैद इधर आओ, जल्दी गोल कीपर इधर आओ, रोहन इधर आओ। ये सर पूरी टीम अभी तैयार हो रही है सीनियर फरीदाबाद के लिए। बिना सुविधाओं से इतनी मेहनत करा रहे हैं, सलीम भाई की मेहनत है। बिना सुविधाओं के, जो पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद बड़ा काम यहाँ हो रहा है। और जी, और सलीम भाई लगातार लगे रहते हैं और उन्हीं